दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि आता है 363 लीटर कैपेसिटी में और इसकी स्टार रेटिंग रहती है 2 स्टार। वीडियो में आगे बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और कितना अलग है ये अदर ब्रांड के डबल डोर से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी स्टार रेटिंग, जो कि आता है 2 स्टार के साथ। और ये जो फ्रिज यूनिट्स कंज्यूम करता है वो करता है 282 यूनिट्स पर ईयर। स्टोरेज की अगर बात करें तो ये फ्रिज आता है 363 लीटर कैपेसिटी में। वहीं अगर इसकी बॉडी फिनिश की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक सैमसंग का लोगो देखने को मिल जाता है। बाकी ये ब्लैक कलर के स्टील में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्रिज ऑन होने के बाद आपको इंडिकेट करता है कि आपका फ्रिज और फ्रीज़र किस टेम्परेचर पर चल रहा है और कन्वर्टेबल मोड्स में ये ऑन है कि नहीं है। साथ ही साथ ये ट्विन कूलिंग प्लस के साथ आता है, जो कि सैमसंग का पेटेंट है। उसके नीचे आपको 3 बटन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से आप अपने फ्रिज के मोड्स को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये सैमसंग का आपको स्टील क्रोम आपको डिजिटल इन्वर्टर वाला टेक्नोलॉजी का ये हैंडल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नीचे की तरफ ये फ्रिज जोन है, जिसको ओपन करने के बाद सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है फ्रेश जोन, जहाँ पर आप अपने फ्रोजन मीट्स रख सकते हैं, जैसे चिकन, फिश, मीट, ये सारी चीज़ें आप इस पार्टीशन में रख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको ट्विन कूलिंग का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि 2 बैंड्स के साथ आता है। एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, उसी के ऊपर 2 बैंड्स ऊपर दी गई हैं, ये आपके फ्रेश जोन के लिए। साथ ही साथ नीचे आपको डिओड्राइजर देखने को मिलेगा, जो कि आपके सारे के सारे फूड की जितना भी आपके फ्रिज में अंदर सामान रखा रहता है उन सब की स्मेल को आपस में मिक्स नहीं होने देता है। अगर सर्दियों में आप उसमें कुछ सामान रखते हैं तो उसकी क्या होती है, स्मेल मिक्स हो जाती है, आटे में अलग ही स्मेल आती है, दूध में अलग स्मेल आती है, तो वो चीज़ें इस फ्रिज के अंदर नहीं होंगी। उसके बाद अगर हम जगह की बात करें तो यहाँ पर एडजस्टेबल 2 शेल्फ देखने को मिलेंगी, एक शेल्फ ऊपर है, एक शेल्फ यहाँ नीचे है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिग बॉक्स मिलेगा, जो कि सब्जी और फलों के लिए आता है। यहाँ पर आप इसको खोल सकते हो और ये अंदर की तरफ जो रखा है ये पूरा का पूरा आइस सिस्टम रखा है, मतलब इसके अंदर 2 आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब वाली ट्रे, जो कि ट्विस्ट करके आप सारे के सारे आइस क्यूब निकाल सकते हो। ये सिस्टम यहाँ से उठ के सीधा फ्रीजर में चला जाएगा। और अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको एक लैम्प देखने को मिलेगा, जो कि LED लाइट से सेटअप है। साथ ही साथ दरवाजे की स्टोरेज की अगर बात करें तो दरवाजे की स्टोरेज में नीचे का जो पार्टीशन है पूरा का पूरा क्लियर है, ताकि ये वेज बॉक्स में ना टकराए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एक शेल्फ आ जाती है, जिसमें आप बड़ी बॉटल्स रख सकते हो, यहाँ पर आप अंडे रख सकते हो, साथ ही साथ छोटे मोटे सामान आप इस शेल्फ में रख सकते हो। बात करते हैं इसके फ्रीज़र के बारे में, तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर फ्रीज़र आ जाएगा। नीचे से जो आपका आइस सिस्टम है वो आप उठा कर यहाँ रख सकते हो, और सामने की तरफ आपको ट्विन कूलिंग प्लस देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी की पूरी ग्रिल ऊपर मिलती है कूलिंग के लिए, जहाँ से ठंडी हवा आती है। एक यहाँ पर आ जाएगी, बाकी 2 नीचे की तरफ आ जाएंगी, और यहाँ पर भी आपकी एक डक दे रखी है, ताकि अगर आप यहाँ पर कोई सामान रखते हो इधर और इधर तो वो डायरेक्टली कूलिंग आपकी यहाँ पर आए, जिससे यूनिफॉर्म कूलिंग हो। जितना टेम्परेचर आपका इस जोन में होगा उतना ही आपका इस वाले एरिया में भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक जेल पैड देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइट जाने के बाद ये चीज़ ठंडी रहती है, और यही चीज़ जो होती है आपके फ्रीज़र में कूलिंग को मेंटेन करके रखती है। दोस्तों, ये था एक छोटा सा ओवरव्यू सैमसंग के 363 लीटर कैपेसिटी के डबल डोर के बारे में। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और किस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे।